नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। महम पुलिस ने 11 नवंबर को महम के पास ट्रक पलटने के बाद गायब हुई सैकड़ों शराब की पेटियों को काबू कर बड़ी कामयाबी हासिल की। शाम को नई अनाज मंडी की एक दुकान में रखी गई पेटी बरामद की गई, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मामले में पुलिस ने गुरुवार सुबह रोहतक हनुमान कॉलोनी निवासी श्याम को गिरफ्तार किया। श्याम ने अनाज मंडी में शराब रख होने की पुष्टि की थी। चंडीगढ़ स्थित एम्पायर एल्कोब रेव लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ केरला ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गत 11 नवंबर को चंडीगढ़ से केरला के लिए एक गाड़ी में 1440 पैकेट अंग्रेजी शराब की खेप भेजी गई। गाड़ी को चालक राजेश कुमार व परिचालक राजकुमार वसियान गांव निवासी लाडवा गुरु क्षेत्र निकले, लेकिन उनकी गाड़ी निर्धारित स्थान पर पहुंचने की अपेक्षा महम से बेरी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामले की सूचना पुलिस व शराब कंपनी अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस व कंपनी अधिकारियों को चालक राजेश कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम ने उनका पीछा किया तो उनसे बचने के लिए गाड़ी भगाई गई और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 1368 शराब की पेटी ग्रामीण उठा ले गए या नष्ट हो गए। अब मात्र 72 पैकेट ही बचे हुए हैं। जबकि पुलिस व कंपनी अधिकारियों को राजेश व राजकुमार की कहानी संदेहास्पद मिली। कंपनी अधिकारी प्रदीप शर्मा की शिकायत पर राजेश व राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज कर ली। उसके बाद पुलिस ने चालक राजेश व परिचालक राजकुमार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मामले की परत खुलनी शुरू हुई। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया तो रोहतक हनुमान कॉलोनी निवासी श्याम व एक चंडीगढ़ के युवक के साथ मिली भगत कर शराब को ठिकाने लगाने की पुष्टि हुई। गुरुवार को श्याम को काबू किया तो उन्होंने अनाज मंडी में शराब रखने की पुष्टि की। चंडीगढ़ के युवक को अभी तक पहचान नहीं हो पाई। चौकी प्रभारी जय नारायण ने बताया कि पुलिस पूछताछ में राजेश व राजकुमार ने रोहतक की हनुमान कॉलोनी वासी श्याम सुंदर की संलिप्तता बताई। श्याम सुंदर को दबोचकर पूछताछ की तो नई अनाज मंडी स्थित एक दुकान से शराब की पेटी रखी होने के बारे में बताया। शराब जब्त कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई। परिचालक राजकुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि चालक 3 दिन के रिमांड पर है। मामले में दुकान मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। शराब की खेत को खुदबुर्द करने में चंडीगढ़ तक तार जुड़े हुए हैं और अभी मामले में व्यापक जांच की जाएगी। ये शराब जो है इसके बारे में मुकदमा दर्ज हुआ था 12 तारीख को, चंडीगढ़ से चली थी और वो गाड़ी जो पलटा दी गई थी केरला, 1440 पेटी लोड थी। अब ये कुछ बरामद हो रही है और छानबीन जारी है। एफ आई आर हुई 12 तारीख को। गाड़ी का पलटा है, ये ड्राइवर की मिली भगत है।